बैंक और एटीएम में तो पैसे सभी उठाते हैं, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि आप अपने घर में बैठकर ही अपने आधार कार्ड और अपने फिंगर की मदद से पैसे उठा सकते हैं, तो जिनके पास ऑलरेडी CSP ID है, APS ID है, जो लोग पैसे उठाने का काम करते हैं तो उनको पता ही है। लेकिन जो लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई घर में बिजनेस करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, तो वो कैसे अपने आधार कार्ड से पैसे घर बैठे उठा सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घर बैठे ये काम करने के लिए आपको यहाँ पर तीन चीज़ों की ज़रूरत होगा। सबसे पहला तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक 10-15 रुपये का एक OTG होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर लगेगा। इसके बाद आपको एक फिंगरप्रिंट मशीन भी परचेज करना होता है। ये मेरे पास फ़िलहाल मोर्फो है। अगर आप 1000-1500 के बीच में ख़रीदना चाहते हैं तब भी आपको अपने मार्केट में मिल जाएगा। तो कम से कम रेंज वाला अगर आपको परचेज करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम अपने मोबाइल से ये सब कुछ कनेक्ट करेंगे और अपने आधार कार्ड के मदद से और अपने फिंगर की मदद से कैसे पैसे उठाएंगे, इसका डिटेल्स में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहला काम तो यही है, ये OTG और ये जो मोर्फो डिवाइस है आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ये OTG है, इसके बाद ये मोर्फो का USB केबल है, इसको हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाएंगे, ये लग गया। इसके बाद अपने मोबाइल में नीचे तरफ जो चार्जिंग पोर्ट होता है वहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। अगर आपका टाइप सी होगा तो आपको टाइप सी के हिसाब से OTG लेना है, अगर आपका नॉर्मल वाला है तो आप यहाँ पर नॉर्मल वाला OTG ले सकते हैं। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। मोबाइल ऑन होने के बाद आपको अपने मोबाइल में आना होगा सेटिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे मोबाइल में आपको सेटिंग में ही जाना है और आपको OTG को सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिवाइस लगाए हैं इसे हम रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, आपके में कोई सा भी एक सेटिंग हो सकता है, जैसे कि मेरे यहाँ है एक सेटिंग, एडिशनल सेटिंग बोल के है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक जगह OTG होगा, OTG कनेक्शन, यहाँ पर देखिए ऑफ है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए नीचे वाला जो मेरा ये जल चुका है, मतलब कि ये लाइट जल चुका है, OTG मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर आपको OTG का जो ऑप्शन है आपके मोबाइल में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में ऐसे सर्च करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा OTG। OTG आप जैसे ही लिखेंगे OTG कनेक्शन आ जाएगा, यहाँ से आप आसानी से इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो खैर हमने तो OTG को ऑन कर लिए हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको यहाँ पर एक ID की ज़रूरत होगा। ID क्या है? जैसे कि मेरे पास पे नियर बाय है, तो आपके पास पाइस मनी, रेडमिली बिजनेस मॉल, जो कि काफ़ी सारे APS कंपनी हैं, आप कोई सा भी एक ID ले सकते हैं। या फिर अगर आप घर में भी इस तरीके का काम करना चाहते हैं, मतलब कि अपने यहाँ जो लोग आते हैं उसका कैश विड्रॉल वगैरह अगर आपको करना है तो आपको APS ID लेना होता है। अगर आपको नहीं पता कैसे लेना है तो ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको आना होगा सबसे पहले प्ले स्टोर में, जैसे कि मैं अभी सिर्फ पेनियर बाय का ही बता रहा हूँ, क्योंकि पेनियर बाय सबसे अच्छा है, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ये मतलब फ्रॉड कंपनी नहीं है। या फिर आप स्पाइस मनी भी ले सकते हैं, रेडमिल बिजनेस मॉल ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेनियर बाय देखिए हम सर्च किए तो इसके बाद पेनियर बाय आ गया। पेनियर बाय आने के बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन का रेटिंग देखिए 4.2 रेटिंग है और इसका जो डाउनलोड है 50 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेटिंग और बहुत ही डाउनलोड रेट है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। जब आप मोबाइल में पेनियर बाय एप्लीकेशन को पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें OTP आता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाई सबमिटिंग करेंगे। इसके बाद ज्वाइन पेनियर बाय करेंगे, क्योंकि ये नंबर में हमने ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं। ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर अलाउ करेंगे और अलाउ करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अपना लोकेशन को हम यहाँ पर एक्सेस देंगे और आपका एक ईमेल ID को भी आप और आपका एक गूगल अकाउंट को भी यहाँ पर एक्सेस देंगे। आपके मोबाइल में OTP आएगा, OTP डाल के लॉग इन करेंगे। हमारा एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर है ऑलरेडी परचेज किया हुआ था तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। आपको अगर कुछ आगे प्रोसेस करने के लिए बोलेगा तो 3 लाइन पर क्लिक करेंगे,
इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है नाम आ जाएगा, आपके नाम पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आ जाएगा। आपको अपना प्रोफाइल को अपडेट करना है, इसके बाद अपना KYC कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको बैंक का इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। ये सभी काम करने के बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। तो अभी बात करते हैं एक बार आपका ID एक्टिव होने के बाद कैसे आप अपने आधार कार्ड की मदद से पैसे उठा सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी सारा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, UPI है, एमपॉस है, SMS पेमेंट है, आधार पे है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आधार ओडल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, माइक्रो ATM है। तो हमको क्या करना है, पैसे उठाना है। अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी में चेक करेंगे। जैसे कि हमको पैसे उठाना है तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है आधार ओडल में। एक बार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपने कौन सा डिवाइस अपने मोबाइल में लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 6 तरीके का डिवाइस है, तो हमारे पास जैसे कि मोर्फो है तो हम यहाँ पर मोर्फो पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर मोर्फो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार नंबर डालना है, इसके बाद आपका बैंक कौन सा है, कौन सा बैंक से आप पैसे उठाना चाहते हैं, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर बैंक ऑफ इंडिया का उठाना चाहता हूं तो यहां पर मैं बैंक ऑफ इंडिया सर्च करूंगा, नहीं तो यहां पर सेलेक्ट करूंगा। मेरे को कितना अमाउंट उड्रल करना है यहां पर हम डालेंगे, जैसे कि मेरे को 9000 रुपीज़ यहां से उड्रल करना है। इसके बाद कस्टमर का फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा ऐसे। तो हमने सारा फील्ड को फिल कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन पहले से चेक होगा, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कौन सा बैंक से, कौन सा आधार नंबर से, कौन सा मोबाइल है आपका और कितना अमाउंट का आपको उड्रल करना है यहाँ से शो हो रहा है। और हमारे ट्रेड बैलेंस मतलब कि हमने कितना लोगों का पैसा उठाया है, जो कि यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको क्लिक करना है सबमिट में। सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक मोर्फो का जो है बल्ब जल चुका है। मैं इसे यहाँ पर अपना फिंगर देके कैप्चर कर लेता हूँ, तो देखिए अलाउ हो चुका है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, हमने जिस बैंक का जिस आधार नंबर से पैसे उठाने की कोशिश की है ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, मेरे अकाउंट से पैसे कट भी चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो 25,000 था पहले, अभी जो है 34,000 हो चुका है, यानी कि हमारे जो 25,000 और 9,000 मिलाकर 34,000 हो चुका है, हमारे बैलेंस में आ चुका है। कितना आपका कमाई हुआ यहाँ पर देखिए, 9 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। अगर आप 3,000 तक करेंगे, मतलब कि 3,000 तक करेंगे तब भी आपको यहाँ पर मिलता है, 3,000 से जितना ज़्यादा करेंगे 10,000 तक तो आपको 9 रुपये ही मिलता है पे नियर बाय में। कोई कोई कंपनी में 10 रुपये 11 रुपये देते हैं, लेकिन वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है कितना रुपया आपको देते हैं। ये पैसा आपका जो है ट्रेड बैलेंस से आ गया है। अभी जैसे कि इस पोर्टल में, इस एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे तो जब आपको यहाँ पर पैसा चाहिए होगा आप यहाँ से तुरंत ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो कमीशन की बात की जाए तो कोई भी बैंक का अगर आप पैसे उठाते हैं तो 1,000 रुपये से 2,000-3,000 ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा इनकम होता है। और आप यहाँ पर कोई भी कस्टमर का दिन में सिर्फ एक बार कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 ही कर सकते हैं एक बार में, और दोबारा आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आधार पे का एक सिस्टम है जिसमें 0.25% का चार्जेस लगता है। अगर आप 10,000 रुपीज़ किसी का आधार ओडल करते हैं उसके बाद उसको फिर 10,000 रुपये चाहिए होगा तो आप आधार पे कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमको ये पैसे को उठाना है, अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए, देखिए नीचे वॉलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेड बैलेंस है। मेन बैलेंस क्या होता है, ये जो बैलेंस में आप सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज ये सब कुछ कर सकते हैं, और ट्रेड बैलेंस से अगर आपको मेन बैलेंस से पैसे लेना है तब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बैलेंस में एक बार चला गया पैसा उसको आप ट्रेड बैलेंस में या फिर अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। मेन बैलेंस में एक बार चला गया तो सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज का ही काम होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, DTH का रिचार्ज हो गया, यह सब कुछ काम मेन बैलेंस से होता है। तो ट्रेड बैलेंस से अगर आपको पैसे उठाना है, अपने बैंक में लेना है, तो यहाँ पर देखिए उसके बगल में ही है मोब का एक बटन, आप यहां पर क्लिक करेंगे। मोब पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कितना अमाउंट उठाना है आपको यहां पर ऐसे देना है, जैसे कि मैं यहां पर 25,000 कर लेता हूं। इसके बाद आपको यहां पर बैंक में क्लिक करना है, डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक नहीं करना है।
अभी आपको मोड चूज़ करना है, IMPS करना है या फिर NEFT करना है। NEFT करेंगे तो आपको 3 रुपये कट होता है, और IMPS करेंगे 25,000 के अंदर तो आपको 5 रुपये कट होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर IMPS कर लेता हूँ, इसके बाद अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर चूज़ करके नीचे कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे बैंक अकाउंट में विद इन 1 सेकेंड ये पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि ये अभी रात का समय है तो मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, हो सकता है पैसा फंस जाए, क्योंकि पैसा तो आएगा। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो पैसा तुरंत आ जाएगा, अगर लक बाई चांस कोई भी दिक्कत आए तो सुबह तक आ जाता है। अगर अर्जेंसी होगा तो आप यहाँ से IMPS कर सकते हैं रात में भी, लेकिन इमरजेंसी नहीं होगा तो आप क्यों करें, आप सुबह ही कर सकते हैं बैंक टाइम में, जो कि आपको सेटलमेंट बहुत ही जल्दी 1 सेकंड में ही हो जाता है। सो इस तरह से अगर आपको आधार कार्ड की मदद से पैसे उठाना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस बीच अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।